सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द टॉर्कबस्टर रामगन और रिव्स अप योर ब्रेथ विद द न्यू एक्साइटिंग ऑटोमेटिक वीडियो। सो आज अपन रिव्यू करने जा रहे हैं बॉबी GTS का। अब इसका बॉबी नाम कैसे पड़ा वो आज आप इस वीडियो में देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये रही राजदूत GTS 175, जिसको इंडिया में 1972 में लॉन्च करा था और 73 से इसका नाम बॉबी पड़ गया था। बॉबी नेम इसलिए रख गया था क्योंकि इसकी मार्केटिंग बॉबी फिल्म से करी थी, जिसके लेट ऋषि कपूर ने इस गाड़ी को चलाया था। इसीलिए आज के टाइम पे ज्यादातर लोग इस गाड़ी को बॉबी के नाम से जानते हैं, वरना इसका ओरिजिनल नाम है राजदूत GTS 175, क्योंकि इसके अंदर 175 सीसी का इंजन लगाया गया है, इसलिए इसका नाम है 175। तो अगर मैं इस गाड़ी की फ्रंट से स्टार्टिंग करूं तो यहाँ पे आपको इसका सर्कुलर टाइप का हेडलैम्प मिलता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे पूरा इसके अंदर आपको क्रोम की फिनिश दी जाती है। और इसके अंदर जो बेसिकली बल्ब है वो 6 वॉट का है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी नहीं लगाई जाती, ये डायनामो पे चलती है गाड़ी। और ये जो आप इसके फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हैं, ये इसको बोला जाता है अर्ल फॉर्क सस्पेंशन, क्योंकि ये पूरे उस टाइम पे डिजाइन करे गए थे ताकि इस गाड़ी को इंडिया के रूरल और अर्बन सिटीज में यूज करा जा सके। अब इसके आप यहाँ पे जो फ्रंट व्हील्स देख रहे हैं, ये बेसिकली जो है, तो आप इसका यहाँ पे साइज देख सकते हैं। इसके अंदर आपको 10 इंचेस के रिम्स मिलते हैं। ये वही रिम्स हैं जो आपको राजदूत के रनअबाउट में देखने को मिलते थे, क्योंकि इस गाड़ी के प्रोडक्शन के बाद जो भी इसका स्टॉक पार्ट्स रखे गए थे कंपनी ने उसको वो यूटिलाइज करा, जिसके अंदर राजदूत रनअबाउट जो स्कूटर आई थी उसके अंदर ये व्हील्स लगाए गए थे। अब आप इसके हेडलैम्प को देखेंगे तो ये यहाँ पे इसका इग्निशन स्विच है, और ये इसका ओरिजिनल जो स्पीडोमीटर उस टाइम पे आपको दिया जाता था, तो यहाँ पे आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। मीटर इसी के अंदर दिया जाता था। अगर आप दूसरी वीडियोस में देखेंगे जिसके अंदर अलग से हेडलैम्प लगाया गया है, वो ओरिजिनल राजदूत नहीं है, वो कस्टमाइजेशन कराते हैं लोग। बाकी जो ओरिजिनलिटी है वो ये है, और ये रहा इसका पूरा ओरिजिनल हैंडल। अब लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसके हेडलैम्प के कंट्रोल देखने को मिलेंगे, जो कि ओनर ने कस्टमाइज कराया हुआ है। राइट साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ये इसके फ्रंट ब्रेक है और ये इसका क्लच है, और इसके अंदर आपको 14-15 लीटर की अप्रोक्सीमेटली टैंक कैपेसिटी मिलती है, और इसका काफ़ी यूनिक टैंक है। इसका आप जो फ्यूल फिलर है वो आपको राइट साइड देखने को मिलता है। ये वही टैंक है जो राजदूत रेंजर में यूज़ करा गया था, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो हैं वो दूसरी गाड़ियों में भी यूटिलाइज करे गए थे। और यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हैं, ये ग्रैब पैड है जो कि टैंक पे लगाया जाता है। यहाँ आप देखेंगे तो ये इसका किक है, और ये इसका गियर शिफ्ट लीवर है, और ये इसके फुटरेस्ट हैं, ये इसका रियर फुटरेस्ट। इसका आप जो फ्रेम देख रहे हैं, ये पूरा फ्रेम यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे नीचे नहीं आता। इसका जो इंजन है वो ऊपर की तरफ फ्रेम में माउंट करा गया है, और काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन करा गया था इस गाड़ी को। और ये इंस्पायर्ड हुई थी होंडा की मंकी सीरीज बाइक से, जो कि 2 फिट की थी, और ये भी अप्रोक्सीमेटली 2 फिट की हाइट है इसकी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको राजदूत GTS की बैजिंग देखने को मिलेगी। ये इसके पैनल ओपन करने के लिए है। ये जो है ये इसका रेयर सस्पेंशन है। इसके अंदर आपको रेयर में हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए जाते थे, और ये रहा इसका रेयर ब्रेक, और ये आप देख सकते हैं ये इसका रेयर रिम साइज है, और इसके अंदर आपको 10 इंचेस के रिम्स देखने को मिलते थे। यहाँ पे आपको इसका रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, और ये जो है ये इसका पूरा एक ग्रैब हैंडल है जो कि रेयर में क्रोम फिनिश में दिया जाता था। यहाँ पे आप इसका रेयर टेल लैम्प देख सकते हैं, जो कि ओनर ने कस्टमाइज कराया हुआ है, और यहाँ पे आप इसका एक रिफ्लेक्टर देख सकते हैं। इसका जो मड गार्ड है वो आपको रेयर में पूरा क्रोम में देखने को मिलता था, ये पूरा आप देख सकते हैं ये क्रोम में है पूरा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका स्प्रॉकेट है जो कि इंजन से इसे यहाँ से कनेक्टेड है। ये जो चीज़ देख रहे हैं ये पूरा इसका जो एग्जॉस्ट पाइप है उसके लिए आया है, और इसको कवर अप कर दिया गया है ताकि किसी का पैर नहीं जल सके अगर गाड़ी का जो एग्जॉस्ट पाइप है वो हीट अप होता है। इसके अंदर आपको काफ़ी स्मूथ और छोटी सी सीट देखने को मिलती है। और ये रहा इसका इंजन, ये बेसिकली 175 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन है, जो कि प्रोड्यूस करता है 7.5 bhp @ 12 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और इसका जो ब्रेक्स हैं, जो रियर ब्रेक्स हैं वो यहाँ से कनेक्ट रहते हैं, और इसका जो फ्रंट ब्रेक है वो यहाँ से कनेक्ट रहता है, ये पूरा यहाँ से कनेक्टेड रहता है। और इसके अंदर आपको जो ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको 3-स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, और ये इसका किक है। और उस टाइम पे क्योंकि 2 स्ट्रोक बाइक्स में काफ़ी ज़्यादा कचरा आ जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको
ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये इसके जो कचरा है जो फ्यूल टैंक में आ जाता है कभी कभी, उसको प्योरीफाई करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। और ये इसका कार्बोरेटर है, इसके अंदर मीक कार्ब का कार्बोरेटर आता था और इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होती थी। तो यहाँ पे आपको कार्बोरेटर पे इंडिया की बैजिंग देखने को मिल जाती है। काफ़ी पावरफुल इंजन है, 3 स्पीड का गेयरबॉक्स आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। अब मैं आपको इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। तो जो हॉर्न है वो आपको यहाँ पे बीच में प्लेस करा गया था और इसके अंदर कोई भी बैटरी नहीं लगती। इसके अंदर डायनामो पे, इसके अंदर जो डायनामो पे ये चलती है गाड़ी, जैसे ही स्टार्ट होती है इसका डायनामो वर्क करने लगता है, जिसकी वजह से इसके हेडलैम्प और टेल लैम्प वर्क करते हैं, क्योंकि जो डायनामो है वो 6 वॉट तक की बिजली पैदा करता है इसके अंदर, जिसकी मदद से इसके अंदर आपको हेडलैम्प और टेल लैम्प वर्क कर पाते हैं। और फ्रंट और रियर जो टेल लैम्प रहते हैं इस गाड़ी के, वो बेसिकली 6 वॉल्ट के बल्ब में आते हैं। और इसका एग्जॉस्ट पाइप जो है वो यहाँ से इंजन से कनेक्टेड रहता है। और ये इसका स्पार्क प्लग है यहाँ पे, जो जिसकी वजह से ये स्टार्टअप हो पाती है। और इसका जो एग्जॉस्ट पाइप है वो पूरा यहाँ पे हिडन कर दिया गया है और यहाँ पे आके ये ख़त्म होता है इसका एग्जॉस्ट पाइप। और इसका काफ़ी अच्छा 2 स्ट्रोक इंजन का साउंड आता है, जो कि मैं अब आपको सुनाऊँगा। आप सुन सकते हैं 2 स्ट्रोक का साउंड।